हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका मेटा एड्स या फेसबुक एड्स रिजेक्ट हो रहा है तो उसके क्या रीज़न है और उसका क्या सलूशन है। तो गूगल एड्स की तरह मेटा एड्स में ये चीज़ अच्छी कि वो आपके अकाउंट को बैन या रेस्ट्रिक्ट नहीं करता है, वो अपने को चांस देता है कि अपने उसको हम अपने एड्स को करेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई पॉलिसी वॉयलेशन हुआ है तो उसको फिर से सबमिट कर सकते हैं। तो उसको करेक्ट करने के दो तरीके होते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपका जो पॉलिसी को जाके पढ़ना है। अगर आप फर्स्ट टाइम नया नया फेसबुक या मेटा एड्स रन करने वाले हैं तो सबसे पहले आप जाके सारे एड्स पॉलिसी को पढ़े, तो उससे आपको समझ आएगा कि फेसबुक क्या अलाउ करता है और क्या अलाउ नहीं करता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले जाके सबसे पहले पॉलिसी को पढ़ना है। अगर उसके बाद आपका अगर एड रन नहीं हो रहा है, अगर आपका एड्स रन नहीं हो रहा है तो आपको ईमेल आएगा और आपका जो एड्स मैनेजर है उसमें भी आपको इश्यू दिखाएगा कि आपका रिजेक्टेड हो गया है। तो मेरा भी रिजेक्टेड हो गया था, तो मैंने क्या सोल्यूशन किया और अभी मेरा एड्स रन हो रहा है। तो उसको करेक्ट करने के दो तरीके होते हैं। तो पहला तरीका तो ये होता है कि अगर कभी कभी क्या होता है, जो फेसबुक होता है तो इसका सारा क्या है, ऑटोमेटेड सिस्टम होता है, इसका जो मशीन लर्निंग होती है, तो कभी कभी कोई मिस्टेक्स की वजह से भी वो एड्स रिजेक्ट कर देता है। और दूसरा रीज़न होता है अगर हमसे कोई पॉलिसी का वॉयलेशन हुआ है। तो मैं दोनों तरीके आपको बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट आपको क्या फॉलो करना है कि आपका अगर आपसे कोई पॉलिसी वॉयलेशन हुआ है तो उसको कैसे करेक्ट करना है। अगर आपका पॉलिसी वो सब कुछ बराबर है, अगर आप फिर भी रिजेक्ट हो गया है तो फिर आपको कैसे अपील सबमिट करनी है। तो मैं आपको दोनों प्रोसेस बताने वाला हूँ। और इसके बाद ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है फेसबुक एड्स में कि आपको वो रीज़न भी बताता है कि आपका कौन सा पॉलिसी वॉयलेशन हुआ है। आपका एड क्रिएटिव में कोई इशू है, या आपका जो डिस्क्रिप्शन में कोई पॉलिसी वॉयलेशन हो रहा है, या आपका लैंडिंग पेज में कोई इशू है, या यूआरएल में कोई इशू है, तो सारी इन्फॉर्मेशन वो आपको दिखाता है। तो कहाँ देखना है, कैसे उसको करेक्ट करना है, तो सारा मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड देखिए और 100% आपका जो एड रिजेक्शन का इशू सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूँ अपने स्क्रीन पे और दिखाता हूँ कि जब मेरा रिजेक्ट हुआ था तो मैंने क्या किया था, और सेम आपको फॉलो करना है। पॉलिसी वॉयलेशन डिफरेंट हो सकता है लेकिन सॉल्यूशन सोल सेम होता है, और आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है और इससे आपका 100% जो एड्स रिजेक्ट हुआ है वो वर्किंग हो जाएगा। और आपको आई थिंक 1-2 घंटे में वापस स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, तो आपको ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस मिलते रहेंगे। बिकॉज मैं अभी फेसबुक के ऊपर, फेसबुक एड्स के ऊपर, मेटा एड्स के ऊपर बहुत डिटेल्ड वीडियो लाने वाला हूं, तो मैं आपको इसमें सारे कंटेंट पोस्ट करूंगा, वीडियोस बनाऊंगा, तो आपको बहुत वैल्यूएबल कंटेंट मिलने वाला है। फेसबुक मेटा एड्स के ऊपर मैं सारा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। मैनेजर, मैं अपने इस एड्स अकाउंट में हूँ। तो जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, मैनेज एड्स, तो यहाँ पे आपको डिटेल दिखाएगा। तो यहाँ पे आपका ये एड्स अकाउंट नेम होता है और यहाँ पे आपका जो पॉलिसी वॉयलेशन हुआ है तो यहाँ पे आपको दिखाएगा। तो वॉयलेट होने पे हम दो चीज़ें कर सकते हैं, दो सॉल्यूशन होते हैं। पहला तो ये, अगर कोई वैलिड रीज़न है, अगर हमारा एड कॉपी, हमारा एड क्रिएटिव जैसे इमेज, वीडियो, या फिर आपका जो लैंडिंग पेज, किसी में भी अगर किसी पॉलिसी का वॉयलेशन हुआ है तो पहले अपने को वो करेक्ट करना पड़ेगा। अगर दूसरा रीज़न हो सकता है कि हमारा सब कुछ करेक्ट है, तो कभी कभी बाय मिस्टेक भी वो रिजेक्ट हो जाता है। अगर बाय मिस्टेक रिजेक्ट होता है तो हम यहाँ से इसको अपील कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो मेरा बिजनेस अकाउंट के यहाँ पे एड अकाउंट में आ गया हूँ। आप यहाँ से भी जा सकते हैं, आपका जो टूल्स में जाके बिजनेस सपोर्ट होम पे जाना है, तो बिजनेस सपोर्ट होम पे जाएंगे तब भी यही इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको बॉटम में ऑप्शन दिख रहा होगा कि आपका कौन सा कैंपेन एड्स या एड सेट में पॉलिसी वॉयलेशन हुआ है। तो भी मेरा यहाँ पे आप बॉटम में देख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा ये एड्स दिखा रहा है और यहाँ पे टू पॉलिसी वॉयलेशन दिखा रहा है, एक तो एडवर्टाइजिंग पॉलिसी है और दूसरा अनएक्सेप्टेबल बिजनेस प्रैक्टिस। तो यहाँ पे अगर आप इस पर ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो आपके सारे एड सेट दिखा देगा और एड सेट में कितने एड्स पे पॉलिसी वॉयलेशन हुआ है, तो इस सारा डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा। इसमें दो पॉलिसी वॉयलेशन हुआ है, यहाँ पे मेरा ये एक एड सेट है और हर एड में मेरे दो दो एड सेट है। तो इस पे, इस वाले एड में मेरे एडवर्टाइजिंग पॉलिसी वॉयलेशन हुआ है और दूसरे में अनएक्सेप्टेबल बिजनेस प्रैक्टिस। तो ये वैलिड भी हो सकता है और इसका मिस्टेक भी हो सकता है, जो इसका मशीन लर्निंग, जो भी इसका एआई होता है फेसबुक का, मेटा का, उसका भी हो सकता है। तो सबसे पहले आपको जाके अपना एड, आपका कैंपेन, आपका एड सेट और एड कॉपी में आपको तीनों चीज़ चेक करनी है, आपका जो टेक्स्ट, आपका एड क्रिएटिव और आपका जो लैंडिंग पेज, वहाँ पे जो
पॉलिसी, पहले आपको पॉलिसी रीड करना है मेटा का सारा, उसके बाद आपको देखना है कि कौन सा पॉलिसी वायलेशन हो रहा है, वो वहाँ पे दिखाएगा, अभी तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ आगे, ठीक है। अगर वो रीज़न है तो मैं आगे बताऊँगा। अगर यहाँ पे अगर आपको लगता है आपने सब चेक कर लिया है और आपकी तरफ से सब बराबर है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे रिक्वेस्ट रिव्यू, तो रिक्वेस्ट रिव्यू में क्या करेगा, रिव्यू के लिए चला जाएगा, तो दोबारा से अच्छी तरह से रिव्यू होगा। जो जो पहली बार रिव्यू होता है तो वो तो उनके मशीन के थ्रू होता है, तो वो ऑटोमेटेड होता है, लेकिन जब सेकंड बार सबमिट करते हैं तो मतलब उसमें मशीन भी होता है और ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट भी होता है, तो वो अच्छे से रिव्यू करेंगे। अगर उनको कोई पॉलिसी वॉयलेशन नहीं मिलता है तो आपका जो एड अप्रूव हो जाएगा। तो ये तो पहला मेथड था, अगर आपका सब कुछ बराबर है। अगर आपका सब कुछ बराबर नहीं है, कुछ मिस्टेक है, तो अब इसको अपने को फाइंड आउट करना पड़ेगा और इसको करेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना होता है, आपको आपके एड्स मैनेजर में जा, तो भी आप जैसे ही आप एड्स मैनेजर में जाएंगे तो आपको यहाँ पे एड दिखाएगा, एड सेट एरर। अभी आप इसके माउस ओवर करेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है ऑल एड सेट इन दिस कैंपेन हैव एरर्स, तो व्यू एड सेट, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे मेरा एड सेट ओपन हो जाएगा। इसके अंदर मेरे दो एड सेट इस कैंपेन में, तो अभी दोनों में एरर दिखा रहा है, राइट। तो मैं किसी पे भी क्लिक कर देता हूँ या फिर यहाँ से भी डायरेक्ट जा सकता हूँ, तो भी मतलब मेरा कैंपेन के अंदर, एड सेट के अंदर मेरा मेन एरर किस में, ये मेरे एड्स हैं। गो टू बिजनेस सपोर्ट हूँ, तो बिजनेस सपोर्ट में मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया है, अगर मेरा कोई एड बराबर है तो आपको सबमिट करना है गूगल सपोर्ट होम से, जो मैंने आपको लास्ट अभी जस्ट बताया। तो यहाँ से आपको सबमिट कर देंगे तो रिव्यू के लिए चला जाएगा और आपका 24 आवर में उसको रिजल्ट मिल जाएगा, राइट। अगर वो इश्यू, अगर आपका कुछ और इश्यू है तो पहले उसको आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एड में जाके इसको एडिट करना पड़ेगा, तो वहाँ पे आपको ये एरर दिखाएगा कि आपका एक्चुअली क्या एरर है, क्योंकि यहाँ अपने को पता नहीं लग रहा कौन सा पॉलिसी वॉयलेशन हुआ है, लेकिन जो एड पेज पे अपने को एरर डिस्प्ले करेगा। तो मैंने इसे सेलेक्ट करके एडिट पे क्लिक करता हूँ, तो अभी जो मेरा ये एड आ गया है, तो मेरा यहाँ पे ये एड दिखा रहा है, तो अभी आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे एड कांट रन अपडेट एड, इसका मतलब है कि मेरे एड में कुछ प्रॉब्लम है, मेरा एड कॉपी में कहीं मुझसे पॉलिसी वॉयलेशन हुआ है, तो पहले मुझे ये करेक्ट करना पड़ेगा। और कौन सा पॉलिसी वॉयलेशन हुआ है वो भी आपको यहाँ पे करेक्ट दिखाएगा। तो पॉलिसी वॉयलेशन मैंने ऑलरेडी बताया, या तो आपका एड कॉपी में हो सकता है, आपने जो भी टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन लिखा है उसमें हो सकता है, या आपका जो भी एड क्रिएटिव, जैसे आपका इमेज, वीडियो, कैरोसेल जो भी है, उसमें अगर आपने कोई ऐसा टेक्स्ट या इमेज यूज़ किया है जो ये अलाउ नहीं करता है, तो उसमें भी हो सकता है, तो पहले आपको करेक्ट करना पड़ेगा। तो अभी जो, और ये आपके अलग अलग एड पर डिपेंड करता है, तो आपके में कुछ और पॉलिसी वॉयलेशन हो सकता है, आपके इमेज का हो सकता है, टेक्स्ट का हो सकता है, या कुछ और, तो आपको आपको करेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अभी जो मेरे एड में कौन सा हुआ है तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एड मस्ट ऑफर डिसेप्टिव मिसलीडिंग, तो यहाँ पे बोल रहा है इंक्लूड डिस्प्ले लिंक्स दैट मे नॉट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द यूआरएल, तो मेरे जहाँ पे एरर बता रहा है, जो यहाँ पे मेरा जो डिस्प्ले यूआरएल का फील्ड है, तो उसमें मैंने गलत यूआरएल डाला है, तो ये करेक्ट भी है, क्योंकि मैंने ऐसे रेंडमली डाल दिया था, जो मेरा ओरिजिनल यूआरएल था वो नहीं डाला। तो आपको यहाँ पे, हाँ, ये जो आपका ये जो डिस्प्ले लिंक होता है, तो यहाँ पे मैंने ऐसे ही रेंडमली डाल दिया था, ये वैलिड नहीं है। तो यहाँ पे अगर, या तो आप, तो जो मेरा जो रीज़न मुझे लग रहा है यहाँ पे, या तो आपको इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, अगर आपका पहले, अगर आप बिजनेस मैनेजर यूज़ कर रहे हैं तो आप डोमेन कनेक्ट कर रहे हैं तो आप डोमेन डाल सकते हैं, अगर आप मल्टीपल दूसरा डोमेन डालना चाहते हैं। तो डिस्प्ले लिंक किस लिए होता है, या तो आप अपना जो सिर्फ डोमेन दिखाना चाहते हैं, या दूसरा डोमेन भी दिखा सकते हैं, लेकिन उसके लिए वो डोमेन आपके इस बिजनेस मैनेजर में ऐड होना चाहिए और वेरीफाई होना चाहिए। अगर आपने रेंडमली या आउटसाइड कोई भी यूआरएल डाल दिया तो ये इश्यू आएगा, जो मुझे आ रहा है। तो इसके मेरे पास दो सोल्यूशन है, या तो मैं जो नया डोमेन डालना है तो पहले मुझे अपने इसमें बिजनेस मैनेजर में ऐड करके उसको डोमेन को वेरीफाई करना पड़ेगा, या फिर मैं इसको ब्लैंक कर दूंगा तो भी मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट जो मेरा लैंडिंग पेज का यूआरएल है वो ले लेगा, तो इससे भी मेरा रिजोल्यूशन सॉल्व हो जाएगा। तो ये इस एरर से अपने को पता लग जाता है कि आपके एड्स में कहाँ पे पॉलिसी वॉयलेशन हुआ है और आपको उसको रेक्टिफाई करना है। इसके अलावा यहाँ पे आप, यहाँ पे जो पॉलिसी का आपको लिंक भी दिखाएगा, राइट, तो आपको उसको भी जाके रीड करना है। तो सबसे पहले जब भी वॉयलेशन आए तो यहाँ पे आपको रीज़न बताएगा, उसके अलावा आपको यहाँ पे उसका सोल्यूशन भी बताएगा, उससे आपको पता लगेगा, आप चेक कर सकते हैं कि मेरे एड में कहाँ पे वॉयलेशन हुआ है। अगर आपने पहले से पता नहीं है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे अनएक्सेप्टेबल बिजनेस प्रैक्टिस, तो मुझे सारा जाके रीड करना है और ये देखना है कि मेरे एड कॉपी में कौन सा वॉयलेशन हो रहा है, और जो भी हो रहा है उसको करेक्ट कर देना है। तो उसके बाद करेक्ट करने के बाद क्या होगा, जैसे हम इसको करेक्ट करते हैं तो ये ड्राफ्ट में रहता है, तो अभी आपको क्या करना है, जैसे आप कुछ भी चेंज करेंगे, तो जैसे मैं यहाँ पे मेरा ये डिस्प्ले यूआरएल का रेंडम हटा देता हूँ, तो अभी क्या करना है, अभी आपको इसको पब्लिश करना पड़ेगा। पब्लिश करने से क्या होगा, ये आपका जो ए कैंपेन है दोबारा से उसके रिव्यू में चला जाएगा, मतलब एकदम फ्रेश रिव्यू में जाएगा। तो सबसे पहले आपको
सब पब्लिश नहीं करना है, आपका जितने भी एड्स में या हेडसेट में एरर आ रहा है सबको करेक्ट करना है। सब करेक्ट करने के बाद अगर आपको इमेज चेंज करना है, टेक्स्ट URL जो भी, वो करेक्ट करने के बाद फिर पब्लिश करना है। अगर आप बार बार पब्लिश मत करना, वरना अकाउंट रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, बिकॉज बार बार नई रिक्वेस्ट सबमिट होगी, राइट? तो ये गलती मत करना, पहले आपका सारा चेंज करना, जितने भी आपके एड कॉपी है सब में जाके चेंज करना, उसके बाद ही आप पब्लिश पे क्लिक करना। तो और इसके बाद आपका रिव्यू के लिए चला जाएगा, और अगर आपका इश्यू सोल्व हो गया है तो आपका एक्सेप्टेड हो जाएगा, और आपको दोनों में से एक ही करना है। अगर आपका कुछ भी इशू नहीं मिलता है यहाँ पे, आपने चेक कर लिया कि मेरा कोई भी वोलेशन नहीं हो रहा है, तो मैंने आपको बताया सिर्फ आपको यहाँ पे जाके रिक्वेस्ट रिव्यू पे क्लिक कर देना है। अगर इश्यू है तो इसको सोल्व करके सबमिट कर देना है, फिर इसके बाद यहाँ पे ये करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो ऑलरेडी रिव्यू में चला जाएगा। तो ये था मेथड, अगर आपका हेडसेट रिजेक्ट हो रहा है बार बार, तो आप ऐसे करके आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, देन बाय।